हेलो फ्रेंड्स, हम टू ईयर बेबी टॉप कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने दो कट पीस लिया हुआ जिसमें हम बॉडी कट करेंगे। इसे हम दो फोल्ड कर अच्छे से घड़ी करेंगे। इसे हम बॉडी का लंबाई कट करेंगे 14.5 इंच। गला का चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच से 1 पॉइंट कम। गले का लंबाई लेंगे 3 इंच और शोल्डर लेंगे हम 2.25 इंच चौड़ाई। आर्महोल का लंबाई लेंगे 5.5 इंच। इधर भी हम 2 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे। गला हम गोल करेंगे। चेस्ट लेंगे 6.25 इंच फोल्ड में। और नीचे हम लेंगे 5.25 इंच। फिर इधर भी हम 4.25 लेंगे। इसे हम हार्मोन का हम गोलाई लेंगे। इधर भी हम निशान टू निशान मिलाकर हम इधर 0.5 इंच कम लेंगे और हम राउंड शेप लेंगे नीचे तरफ से। बैक का डिफरेंस रखेंगे 1 इंच। हम शोल्डर हल्का क्रॉस लेंगे। फिर इसे कटिंग करते फ्रेंड्स। फ्रेंड, ये बैग हमारा कट कर तैयार है। हम गले बड़े का गलाई कट करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैग बॉडी कट कर तैयार है। ये हम आस्तीन अब कट करेंगे। आस्तीन हमारा हाफ आस्तीन रहने वाला है। तो यहाँ से हम सेंटर लेंगे। आस्तीन का लंबाई 3.5 इंच लेंगे। यहाँ फिर से हम 2 इंच लेंगे। आस्तीन का जो चौड़ाई 5.5 इंच लेंगे। इसे हम लास्ट का अटैच करेंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा ले रहे हैं। यहाँ राउंड शेप लेंगे आस्तीन का। फिर इसे हम कटिंग कर लेते। तो सेंटर में कट लगा लेंगे करने के लिए। हम 1.5 इंच का 2 पट्टी कट करेंगे जो पेपिन लगाएंगे गले में। और 1 पट्टी हम गले के लेंगे जो गला डिजाइन जो रहेगा 2.25 इंच चौड़ा और 30 इंच का लंबाई रहेगा। ये फ्रेंड, मैंने एक दाब फोल्ड कर लिया पट्टी को, दोनों पट्टी को। हम पहले ऊपर में हम एक पट्टी अटैच करेंगे गले में। हल्का हल्का गैदरिंग लगाना है उंगली की मदद से। हम नीचे वाला पल्ला हमें ज़रा भी खींचना नहीं है, तो गला हमारा फैल जाएगा। फ्रेंड, ये हमारा एक फ्री अटैच हो गया बॉडी में। दूसरा हम इससे 5 इंच हम गैप में अटैच करेंगे। इसके नीचे से फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह ग्रेडिंग डालना नहीं आता है बनाना, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पूरा कंप्लीट इस तरह ग्रेडिंग लगाना आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों पट्टी अटैच हो गया गले में।
फिर हम बैग में एक ओपन खोलेंगे, हम हुकाई करें कराने के लिए। इसे हम कट लगा कर पलटी करके हम एक दाब का सिला लगाएंगे। कंधी अटैच करेंगे फ्रेंड्स, कंधी हम दोनों साइड अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी तैयार है। अब हम पेपिन लगाएंगे गले में, इस तरह से हमें उल्टा साइड में उल्टा साइड से अटैच करना है, सीधा साइड हम पक्का करेंगे। फ्रेंड्स ये आड़ा पेपिन मैंने लिया हुआ, हल्का सा हमें पेपिन कभी गले में आप लगाओ तो हल्का सा खींच कर रखना ताकि फिनिशिंग गला हमारा बराबर अच्छा फिनिशिंग आवे। इस तरह से हम खोल करके पेपिन को पक्का कर देते। फ्रेंड्स हम इस साइड भी अच्छे से पकड़ के हमें तरह से आराम से टाके लगा देंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा गला रेडी है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। फ्रेंड्स हमारा हम आस्तीन अब रेडी करेंगे। आस्तीन हम इस तरह से फोल्ड करके इसके अंदर से हम लास्टिक अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इधर से हम लास्टिक को पहले लॉक कर देते हैं और हम सब पलट के बाद जितना हमारा इलास्टिक खींचेगा इतना हमें खींच कर रखना है और इलास्टिक के किनारे सिलाई चलाना है। ये साइड भी हम लॉक कर देंगे। दूसरा रास्ते भी हमें इसी तरह बना देना है। देखिए फ्रेंड हमारा रास्ते बन के तैयार है, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। देख लीजिए आस्तीन का हमें प्लास्टिक के किनारे में हमने सिला जला है इसलिए इतना अच्छा दिख रहा है। फ्रेंड चलिए फिर बॉडी में अटैच करते। फ्रेंड 3 से 4 गेंद भी हम लगाएंगे आस्तीन कंधे के पास। दूसरा साइड भी हम आस्ते में स्ट्रेच करते। चलिए फ्रेंड्स ये हमारा बैक साइड है, ये वाला बैक साइड है, ये फ्रेंड हो गया। फ्रेंड काफ़ी खूबसूरत टॉप दिख रहा है फ्रेंड्स। चलिए हम दोनों साइड में सीधा लगा कर पीस रेडी करते। देखिए दोनों साइड में हमने सिलाई लगा लिया। फिर हम नीचे हम इसे आधा इंच का फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे।
फ्रेंड्स, ये हमारा टॉप से आ रहा है, बीच में हमने एक आईडी लगा ली है गले के बीच में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।